हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपने बगीचे में से, बालकनी में से, गमलों में से आप स्लग्स और स्नेल्स कैसे निकाल सकते हैं। अभी बारिश शुरू होने वाली है, इन दिनों इनका प्रकोप थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि नमी पसंद प्राणी है ये, और नमी के कारण ये होता है। तो क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं जो लोग, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है ना। और लेकिन जो मतलब बालकनी वगैरह में जिनके घरों में होती है, उनमें गमले रखे होते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। क्या होता है, थोड़ा सा ना असावधानी के कारण या थोड़ा नहीं पता होने के कारण हम लोग जब नर्सरी से प्लांट्स लेकर आते हैं तो गमलों के नीचे ये चिपके होते हैं, है ना। तो आप जब ले रहे हैं गमला तो उसको पहले तो देख चेक कर लीजिए कि नीचे तो नहीं चिपका हुआ है, क्योंकि अगर वो नीचे चिपका हुआ है इट मीन्स जो पॉट है उसमें उसके अंडे भी ज़रूर हैं। अंडे और वो आ गया घर में तो फिर तो वो मल्टीप्लाई होंगे और सब में फैलेंगे। इनसे क्या होता है कि घर में अगर पेट्स होते हैं वो खा लेते हैं इनको, तो इनकी तबीयत ख़राब होने लगती है, इंसान को भी तबीयत ख़राब होने लगती है। हालांकि इंसान तो खाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी। और दूसरा क्या होता है कि चलते फिरते पैर के नीचे आ गए तो बड़ा, एक तो मन में बड़ा बुरा होता है कि कोई मर गया हमारे हाथ से, दूसरा एक बड़ी गंदी सी स्मेल होती है, फिर उसे उठा के फेंको वो भी एक समस्या हो जाती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कुछ मैं आपको होम रेमेडीज़ भी बताऊँगी और एक दो केमिकल्स भी बताऊँगी जिनको कि इस्तेमाल करके आप इनको अपने घर में से, बालकनी में से आराम से इनको हटा सकते हैं। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। नंबर वन पे आता है सॉल्ट, जो हमारा घर में होता है टेबल सॉल्ट, जो हम लोग खाना खाते हैं वो वाला है, नमक है। इसको लेके हमको क्या करना है कि इसको गमलों के आसपास इसको डाल देना, ऐसे करके गमलों के आसपास इसको डाल देना, गमलों के अंदर नहीं डालना है क्योंकि इससे तो प्लांट ख़राब हो जाएगा, नमक से प्लांट ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पे नमक के ऊपर भी जब वो स्नेल्स और स्लग्स चलते हैं तो वो डैमेज हो जाती है उनकी बॉडी और वो मर जाते हैं। दूसरा चीज़ क्या होती है इसके कि आप जब एप्सम सॉल्ट, मैंने पीछे भी बताया था कि एप्सम सॉल्ट जो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा एक फर्टिलाइज़र भी होता है, तो आप एप्सम सॉल्ट आधा आधा चम्मच, एक एक चम्मच, एक एक गमले में आप डालते जाएंगे सब जगह करके, तो वो स्लग वगैरह उसमें से भी नहीं आते। तो ये दो तरीके हो गए आपके पास। एप्सम सॉल्ट आपको केमिस्ट के यहाँ मिल जाएगा, ये मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से भी मिलता है, तो ये बहुत ईजीली अवेलेबल है। नंबर तीन पे एक और होम रेमेडी है कि आप सबके घरों में विनेगर होता ही होता है, वाइट विनेगर या एप्पल साइडर विनेगर या कोई भी तरह का विनेगर लेके उसको एक ढक्कन, इसका जो कैप होता है बॉटल का, वो कैप एक लेकर एक लीटर पानी में आप सारे प्लांट्स पे उसका स्प्रे कर दीजिए। और स्प्रे करना है आप प्लांट्स पे भी कर दीजिए, प्लांट्स पे भी कर दीजिए, सॉइल में भी कर दीजिए, और ये पूरी तरह से मतलब इसका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। हम तो विनेगर वैसे भी डालते ही हैं प्लांट्स में, है ना, कि मिट्टी हमको एसिडिक बनानी है, तो एक दो दिन रहेगा उसके बाद ख़त्म हो जाएंगी अपने आप, ठीक है। नंबर चार पे आता है कॉफ़ी ग्राउंड। कॉफ़ी ग्राउंड आपको कहाँ से मिलेगा, जो कैफ़े कॉफ़ी डे वगैरह होते हैं तो इनके पास कॉफ़ी का वेस्ट होता है, जो एक्सट्रैक्ट बचता है ये इसको बेच भी देते हैं, कई बार आप मांगेंगे तो फ्रेंडली उसमें दे भी देते हैं कुछ पैसे वगैरह लेके, तो वो लेके आप सब जगह इसको बस बुरक दीजिए ऐसे 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 करके, तो बस ये उसमें से बिल्कुल नहीं आएंगे, उसकी गंदे जो स्मेल आती है ना कॉफ़ी की, कैफीन की जो स्मेल होती है वो ये लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और बिल्कुल आना बंद कर देते हैं। नंबर पाँच भी आता है एक और होम रेमेडी है कि लहसुन की आप 5-6 कलियाँ अच्छे से उसको कूट लीजिए और उसमें कॉफ़ी पाउडर मिला लीजिए। कॉफ़ी पाउडर जैसे ये 1 लीटर की बोतल है तो मैंने इसमें 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर मिला के और 5-6 इसमें लहसुन की कलियाँ मिला के उसको अच्छे से पीस लिया है, वो जो किचन में होता है ना अदरक कूटने वाला उसमें कूट के, और फिर उसको छान लीजिए, क्योंकि अगर हम इसको वैसे ही भरेंगे तो हमारे ये जो बॉटल है उसके ट्रैप में फंस जाएगा, उसके पाइप में, और हमारी स्प्रे बॉटल ब्लॉक हो जाएगी। तो इसमें भर के और फिर आप उसका स्प्रे कर दीजिए। ये मैंने इसमें बना के रखा हुआ है तो वो आपको दिखा रही हूँ, लहसुन और कॉफ़ी का मिक्सचर है ये, उसको आप छान के और इसमें बॉटल में भर लीजिए स्प्रे बॉटल पे, और बहुत अच्छे से सब पे आप स्प्रे कर दीजिए। इसकी गंध से जो एफिड्स वगैरह होते हैं वो भी नहीं आते, है ना, और वो स्लग्स और इसमें स्नेल्स दोनों इससे बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि कैफीन होती है कॉफ़ी में और वो बिल्कुल भी इसकी कैफीन की स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसी तरह से नंबर 6 पे आता है सीवीड्स। सीवीड्स हम सबके घरों में होते ही है, अभी फ़िलहाल मेरे पास तो यहाँ है नहीं, घर में मेरे है, तो सीवीड्स आपके पास सबके पास होगा,
ये समुद्र की जो घास वगैरह होती है उसको निकाल के उसके क्रिस्टल रूप में भी मिलता है और लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है। तो आपको क्रिस्टल्स लेके हम वैसे भी अपने प्लांट्स में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी दूर करने के लिए सीवीड का इस्तेमाल करते ही हैं, है ना। तो वही सीवीड आप आधा आधा चम्मच लेके सब गमलों के में ऊपर डाल दीजिए, तो आपके प्लांट्स को फर्टिलाइज़र भी होता रहेगा और साथ में ये स्नेल्स और वो भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो एक तरीका ये भी हो गया फ्रेंड्स। अब नंबर 7 का तरीका जो है वो ये है कि इसमें जो हमने लेते हैं गुड़ या चीनी, ना ये चीनी ली हुई है मैंने, और इसमें हम मिलाएंगे पानी और थोड़ा सा मिलाएंगे हम ईस्ट। ईस्ट जो केक वगैरह, केक और क्या बोलते हैं ब्रेड वगैरह बनाने के काम में आता है ना, अक्सर घरों में होता है, नहीं तो ये आपको ग्रॉसरी स्टोर पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो वो मिलाएंगे इसको और हम इसको अच्छे से मिला देंगे, ठीक है। और इसको मिला के ये जो हमारा खोल बन गया है तो इसको हम ज़मीन में गड्ढा करके और कटोरी को उसमें गाड़ देंगे। तो कटोरी का किनारे का लेवल और ज़मीन का लेवल एक बराबर होना चाहिए। तो इसमें से जब ईस्ट फर्मेंट होता है तो उसकी स्मेल से ये अट्रैक्ट होके उसके पास आते हैं और ये जो सॉल्यूशन बना होता है ईस्ट और शुगर का उसमें गिर के ये मर जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी हमें कुछ भी नहीं करना है, बस ये आप बगीचे में 5-6 जगह ऐसे गड्ढे बना लीजिए और कटोरियों में अलग अलग करके कर दीजिए और ये आराम से उसमें मर जाते हैं। नंबर 8 पे एक और ट्रैप है। जैसे कई घरों में लोग बियर पीते हैं तो बियर आप कटोरी में भर लीजिए और सेम उसका गड्ढा बना के और उसको ज़मीन के लेवल पे कर दीजिए बराबर, तो उसकी स्मेल से वो अट्रैक्ट होके और उसमें गिर के मर जाते हैं। अब नंबर 9 पे आपको केमिकल्स बता देती हूँ, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ऑफिस वाले या ट्रांसफ़र वाले या जो भी प्रॉब्लम है तो वो नहीं कर पाते, घर परिवार ज़्यादा बड़ा है, इतना टाइम नहीं निकाल सकते, तो केमिकल की भी अक्सर ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो उसमें केमिकल्स में आपको मैं स्क्रीन पर नाम लिख दे रही हूँ, अभी बोल के बता देती हूँ। इसका नाम है डायटोमैसियस अर्थ। ये सी क्रीचर्स का एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब समुद्र में जो बारीक बारीक जानवर वगैरह होते हैं, बहुत छोटे छोटे सी क्रीचर्स होते हैं, उनको पीस के उनका पाउडर फॉर्म में होता है ये। तो वो मार्केट में मिल जाता है आपको, तो आप लेके उसको और गमलों के आसपास उसको ऐसे ऐसे भुरक दीजिए। तो क्या होता है, वो थोड़ा दरदरा सा होता है तो उस पर चलने से इनको बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत कष्ट होता है, तो ये वैसे ही आना छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। तो ये जो आपको मैं बता रही हूँ डायटोमैसियस अर्थ, ये 2 तरह का आता है, लेकिन आपको उसमें जो पाउडर फॉर्म में होता है ये और ग्रेन्यूल फॉर्म में भी, तो आपको पाउडर वाला लेना है और ये फूड ग्रेड वाला लीजिएगा तो ये बहुत अच्छा रहता है, ये आपने फिर होमली यूज़ में आता रहता है। नेक्स्ट जो है वो एक और केमिकल है, उसका नाम है मेटल्डिहाइड। ये भी ये वैसे तो ये बैंड है कुछ कंट्रीज़ में, आप मुझे नहीं पता ये हमारी कंट्री में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, लेकिन आप एक बार बीज भंडार वगैरह पे पता करेंगे, हो सकता है मिल जाए, है ना, और नहीं मिले तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। वैसे इसका नाम होता है मेटल्डिहाइड और इसको पानी में मिला के और प्लांट्स पे स्प्रे किया जाता है, सॉइल में स्प्रे किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो मेरे कुछ तरीके थे, इसमें होम रेमेडी ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ मैं, तो लहसुन और कॉफ़ी वाला और विनेगर वाला, 2 मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ जिससे मुझे बहुत फ़ायदा है। मेरे घर में आपको नहीं मिलेंगे, ना मेरी डॉटर का काफ़ी बड़ा बगीचा है, इसके बगीचे में भी नहीं है और मेरे घर में भी नहीं है, है ना। तो ये आप ध्यान रखिए कि अगर नीचे वाला घर है तो एक और कर सकते हैं आप, जहाँ पास पास गमले रखे हैं, तो ये एक्चुअली नमी वाली जगह में रहते हैं, तो वो गमले वहाँ से उठा के आप सॉलिड उस पर रख दीजिए, फ्लोर पे, सीमेंटेड फ्लोर पे, तो वहाँ जब हवा लगती रहेगी, धूप लगती रहेगी, तो वहाँ वो जाएंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो एक तरीका ये भी हो सकता है इनको मारने का। तो आई होप मेरे को जो आते थे प्रैक्टिकल नॉलेज जिनकी थी मैंने आपसे शेयर की, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर फिर आती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।